बता दिया, घर मकान नहीं है भैया, झोपड़ी पड़ी है, घर मकान बढ़िया सा बन जाएगा, लोग हमें सम्मान से देखना तो चालू कर देंगे, दोबारा से कभी जीवन में घंटी नहीं बजाएंगे, क्योंकि पड़ोसी के दो काम होंगे, पड़ोसी बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकर के गए हैं, घर पे जैसे ही पहुंचे हैं, घंटी को निकाला, बोले बोले बाबा समय आ चुका है, मेरा जो घर मकान की जो मेरी मैं चेष्टा कर रहा हूँ, तो ये झोपड़ी हट जाए, मेरा एक मकान बन जाए। तो भैया उसका तो एक ही मकान बना, लेकिन सामने से देखा है पड़ोसी के दो दो मकान तैयार हो गए। जैसे ही देखा घबरा गया, बोले ये तो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, आज के बाद इस घंटी को नहीं बजाएंगे। घंटी को लिया, बक्से में बंद कर दिया और अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी से कहा सुना हम बाहर जा रहे हैं, भूल के भी इस बक्से को मत खोल देना। पत्नी ने जवाब दिया ठीक है महाराज, जाओ हम क्या बोलेंगे, चले गए। अब पत्नी ने विचार किया ऐसी कौन सी अनोखी वस्तु है, बक्से में बंद करके रख गए और ऊपर से ये भी कह गए कि बक्से को कभी खोलना नहीं। हम माताओं में तो ये पुरानी आदत हुआ करती है कि जिस कार्य के लिए आप मना करोगे डटके वही कार्य करती है। मैया ने जैसे ही खोला घंटी नजर आई, जवाब दिया देख लिया, बाहर चले गए, क्या इन्हें बच्चों की परवाह है, अरे ज्यादा नहीं तो दूध की ही व्यवस्था हो जाती, भैंसी दर बच्चे आ जाती। घंटी को निकाला, जाओ जवाब दिया भोले बाबा मेरे दरवाजे पर एक भैंसी आ जाए। तो बाग के द्वारे तो एक ही भैंस, लेकिन पड़ोसी के द्वारे दो दो भैंसे तैयार हुए। भक्त लौट करके आया, जब देखा है कि दरवाजे पर भैंस, समझ गया कि आज पत्नी ने ये मेरे साथ में घात किया। घंटी को निकाला, गुस्सा में आकर के घंटी को बजाया, जवाब दिया भोले बाबा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे दरवाजे जो एक भैंस बंधी है ना, वो एक भैंस ही मर जाए। तो बाकी तो एक ही भैंस मरी, लेकिन पड़ोसी की दोनों चली गई। अंत में घंटी बजाई, बोले भोलेनाथ ज्यादा कुछ नहीं, दो बार और हम तुमसे कुछ मांगेंगे, हमारे दरवाजे ज्यादा नहीं, कुएं खुद जाए। तो बाग के द्वारे तो एक ही कुआं खुदो, लेकिन पड़ोसी के द्वारे देखो तो दो दो कुआं खुद की तैयार हो गई। अंत में घंटी बजाई, जवाब दिया भोले बाबा आज के बाद जीवन में घंटी नहीं बजाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, मेरी एक आंख ही फूट जाए। तो बाकी तो एक ही आंख गई, लेकिन पड़ोसी की दोनों चली गई। तो कोई ले रहा था कोई दे रहा था, शुक्राचार्य जी को क्या मतलब था बीच में पड़ने का, बीच में पड़े तो अपनी एक आंख भी दे बैठे। बोली गोविंद भगवान की।